जैसे रूपा जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट जो फिजिकल मार्केट है कॉटन की, वहाँ पे अब ये उम्मीद लगाई जाने लगी है कि जो कॉटन है उसकी जो कीमतें हैं वो 10-10 हज़ार तक मिलती हुई नज़र आ सकती हैं। रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है अब कॉटन में कितनी और तेज़ी आने को मिल सकती है, देख पाएंगे वायदा में भी और फिजिकल में भी? देखिए, कॉटन की बात करें तो अभी हम देख रहे हैं मंडियों में 8500 आम भाव जो है कपास का देखने को मिल रहा है। कुछ एक मंडियों में जो अच्छी क्वालिटी की कपास है उसमें 9000 के ऊपर की भी बोली लगी है, लेकिन एक इक्का दुक्का लोट जो है वो बिके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई अभी 9000 का लेवल अभी आया नहीं है हाजिर मंडियों में। लेकिन हाँ, 8500 का स्तर जो है अमूमन देखने को मिल रहा है हरियाणा पंजाब की मंडियों में। और वही अगर हम फ्यूचर में बात करें, वायदा के अंदर भी हमने देखा है MCX पर पहली बार कॉटन 32000 रुपए के ऊपर निकला है और अपने 2011 के हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद लगातार मजबूत हुई है डिमांड, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं अमेरिका में उत्पादन कम रहने के अनुमानों से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉटन को काफी तेजी की तरफ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वायदा के अंदर 32.5 से 33 हज़ार एक बार लेवल आ सकता है, और वहीं अगर ये सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 35 हज़ार तक भी वायदा में कॉटन जा सकती है। वहीं घरेलू वायदा की बात करें तो बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि 10 हज़ार का स्तर देखने को कपास में मिल सकता है। जी,